पढ़ते टाइम फोकस कैसे करें? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या है कि वो पढ़ते टाइम फोकस नहीं रह पाते, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को दूर करने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं या किसी शांत जगह पर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या कुछ लोग म्यूजिक सुनने लग जाते हैं ताकि मैं कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाऊँ। तो देखिए, ये सब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सब टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका ध्यान फ़ोन पर ही होगा कि उसने व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया या नहीं दिया, उसने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया या नहीं किया, रहता है या नहीं रहता है। दोस्तों, ये रियलिटी ऐसा होता ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये लगभग सभी के साथ होता है। और देखिए, इसमें आपका समय भी बर्बाद होता है। जो चीज़ आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो उससे आप डेढ़ घंटे लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई पे, आपका ध्यान आधा मोबाइल फ़ोन पे और आधा बुक पे है, तो कहाँ से आपको फोकस रह पाओगे? तो आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आखिर मैं पढ़ूं तो मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे, मैं पूरा फोकस्ड होकर के पढ़ूं? और देखिए, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो तो आप हमेशा फोकस्ड रहोगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो आप दुनिया का कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। तो अब जानते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन से पहले हम जानेंगे कि आखिर इसका ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है आपके साथ, क्यों आप कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ पा रहे हो। कुछ लोग समझते हैं कि इसकी वजह फोन है। देखिए, इसकी वजह फोन नहीं है, आपका अंदर का माइंड है दोस्तों। आपके ऊपर पढ़ाई हावी नहीं है दोस्तों, आपके ऊपर बाहर की चीजें बहुत ज्यादा हावी है दोस्तों। पढ़ाई से अलावा जो भी चीजें वो आपके ऊपर हावी हो चुकी है, आपके माइंड के ऊपर हावी हो चुकी है, इसलिए आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। पढ़ाई को आपको पहले प्रायोरिटी देनी होगी, पढ़ाई आपके लिए उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। बाकी की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पढ़ाई आपके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये है प्रॉब्लम दोस्तों। एक बार हमें प्रॉब्लम मिल गई, अब हम उसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए ये समझते हैं कि आखिर आपके लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं है पढ़ने के लिए, कोई वजह ही नहीं है पढ़ने के लिए आपके पास। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा आप क्यों पढ़ोगे? कितनी अच्छी तो आपकी लाइफ चल रही है, टाइम पे खाना मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक कहीं चलाने के टाइम पास करने के लिए, तो क्यों पढ़ोगे आप? और जिनके पास कोई गोल होता है वो आराम से पढ़ते हैं। जैसे टॉपर के पास गोल होता है हर बार कि मुझे 90% लाना है, 95% लाना है, तो वो गोल ही उन्हें मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, और वो दिन में क्या है 4 से 5 घंटे निकाल लेते हैं अपने लिए पढ़ने के लिए किसी भी तरह, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। और जिसके पास कोई गोल नहीं होता वो बहाने मारते रहते कि इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जबकि अंदर से आपको ही पता है कि सब एक्सक्यूजेस है, असल वजह कुछ और है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक गोल ढूंढना होगा, एक वजह ढूंढनी होगी, तभी आपका पढ़ाई पे कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाओगे दोस्तों। और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर एक चीज में दोस्तों। जब तक आपके पास जो काम कर रहे हो उसमें जब तक आपको एक पास कोई गोल नहीं होगा तब तक आपको उस काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको कोई गोल ढूंढनी होगी, कोई वजह ढूंढनी होगी, तब जाकर के आप पढ़ाई मन लगा के करोगे, फोकस होकर के कर पाओगे। और फिर देखना, ये है दोस्तों परमानेंट सॉल्यूशन। फिर देखना, आपका फोन ऑन भी रहेगा ना, आपका फोन पे ध्यान नहीं जाएगा, आपको पहले लगेगा कि मैं ये काम करूं, और आप दिन भर पढ़ाई के बारे में ही सोचोगे। इसलिए जाइए और एक गोल अपने पेन और कॉपी पे एक गोल तैयार कीजिए, वो गोल ही आपको मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए।